एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान सामने आया है और कहा है कि धोखे से बनाई गई सरकार को जल्द से जल्द हटाया जाए और किरकिरी न कराए फडणवीस। सरकार के पास बहुमत नहीं है, बहुमत परीक्षण के दौरान बीजेपी को हराएंगे तीनों दलों के नेता और राज्यपाल को चिट्ठी यहां पर सौंपी जाएगी। तो अजीत पवार ने गलती की है, ये कहना है नवाब मलिक का, और बतलाया है कि हमारे पास सभी विधायक हमारे समर्थन में हैं। तो एक विधायक हमारे संपर्क में है, ये कहना है नवाब मलिक का, जो कि अब तक कहीं ना कहीं अजीत पवार को मनाने आए हैं। मुलाकात उनसे लगातार की जाती रही है और अब उनका दावा यहां पर है कि 52 विधायक जो है उनके संपर्क में है, एक और विधायक अब उनके संपर्क में है, यानी कि समर्थन 52 का मिल चुका है, लेकिन फिलहाल एक विधायक संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि उस एक विधायक का भी समर्थन यहां पर एनसीपी को हासिल हो जाए। लेकिन धोखे से बनाई गई सरकार को जल्द हटाने की बात यहां पर नवाब मलिक ने की है और कहा है कि फडणवीस किरकिरी न कराए, क्योंकि देखा जाए तो सरकार के पास बहुमत नहीं है, 52 जब हमारे साथ हो ही गए हैं, तो ऐसे में बहुमत परीक्षण के दौरान बीजेपी हार जाएगी, तीनों दलों के नेता जो है राज्यपाल को आगे चिट्ठी भी इस पर सौंपेंगे। पास 165 विधायकों का समर्थन है, हमारे 54 में से 53 विधायक एकजुट हैं। अजीत पवार जी ने गलती की है, हम उनसे मांग करते हैं वे अपनी गलती सुधारें, और गलती सुधारने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है। कुल मिला के सरकार के पास बहुमत नहीं है, अजीत पवार जी भी इस्तीफा दे दें, और हम मांग करते हैं कि देवेंद्र जी ये समझें कि जनसंख्या बल तुम्हारे साथ नहीं है, ज़्यादा बेइज्जती होने से पहले अगर वे इस्तीफा दे देंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो सदन के पटल पर सरकार को गिराया जाएगा।